एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, कल का व्लॉग नहीं मैं ज़्यादा बना पाई थी, मैंने रीज़न आपको ऑलरेडी बता दिया है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो गाइस, आज ये है कि बस स्टार्ट हुआ है डे। सो गाइस, आई हैव जस्ट टेकन माई बाथ, नहा लिया है, बट गाइस पूजा नहीं करनी। पूजा तो अभी हम लोगों को 13 दिन तक नहीं करनी है, क्योंकि घर के ही थे हैं वो, एकदम खानदान के हैं, तो 13 डेज तक जो होती है पूजा वगैरह नहीं होती है, तो 13 डेज तक पूजा नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या नहीं कर रही मैं, क्योंकि डेली की हैबिट है ना मुझे। बट ये जो भी रिलीजियन है हमारा, जो भी हमारा का जो भी है कल्चर है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना गाइस, है ना, फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो गाइस, इस वजह से मैं पूजा तो नहीं कर रही हूँ, बट कल के सारे स्टूडेंट्स की मैंने छुट्टी कर दी थी क्योंकि मैं वहाँ गई थी, तो आज बुलाना है मुझे सारे स्टूडेंट्स को, प्लस ऑनलाइन क्लास भी देनी है। सो गाइस, जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद फटाफट से बच्चों को मैसेज डालते हैं, फटाफट से सबको निपटाती हूँ, क्योंकि गाइस एक दिन की भी छुट्टी हो जाती है ना तो मेरे को हेडेक हो जाता है, क्योंकि मुझे मैनेज करना होता है क्लास। एक्चुअली ये रूल ये है कि अगर बच्चे अपने तरफ से छुट्टी करेंगे तो वो क्लास मैनेज नहीं होगी, ठीक है, और अगर हम अपने तरफ से छुट्टी देंगे तो वो मैनेज करना पड़ता है ना गाइस। हाँ, कभी कभार तो ये है कि भाई ऐसी सिचुएशन है तो उसमें मैनेज भी नहीं करो तो पेरेंट्स भी समझते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं मैनेज कर ही देती हूँ, इस वजह से कि बच्चों को ये ना रहे कि मैम ने उसको छुट्टी दी थी, इसलिए छुट्टी दी थी। तो गाइस, अभी मैं हूँ बाहर बैलकनी में और रात को हुई है बड़ी ज़ोरों की बारिश, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ठंडक हो रही है ना पेड़ के नीचे। गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कल, मेरी हालत डाउन हो गई, आप मानेंगे नहीं। कल से और अभी तक मैं ऐसे पड़ी रही ना, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, ऐसे पड़ी रही मैं जैसे मैं बीमार हो गई हूँ बहुत सारा। इतनी, और हमें ऐसा ना आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा भयंकर लू वगैरह लगेगी, नहीं तो मैं कार ही बुक करती, ओला वगैरह ही बुक करती, कोशिश कर रहे थे, वहाँ से हो ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों कैंसिल हो जा रही थी बार बार, इस वजह से ऑटो में आना पड़ा। तो मुझे जुखाम भी हो गया सर्द गर्म से, गला भी थोड़ा सा खड़खड़ हो रहा है, तो दवाई ले लूँगी आज। सो गाइस, बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब समझते ही हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है गाइस। बाकी जो भी आगे का मेरा रूटीन है वो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए। और गाइस, यहाँ बन रही है गर्मा गर्म, क्योंकि मेरे गले में हो रही है खराश, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय। ये मैंने इससे ग्राइंड कर लिया है, छोटा सा जो ग्राइंड ग्रेटर है, ग्राइंड बोल रही हूँ सॉरी, ग्रेट कर लिया है, छोटा सा ग्रेटर है जो। और अब चलते हैं, लेके आते हैं अजवाइन की पत्तियाँ, क्योंकि जो अजवाइन की पत्तियाँ हैं ना गाइस, वो बहुत रिलीफ देती है। अगर हमारे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कंजेशन है, तो उससे वो बहुत ही रिलीफ देती हैं। तो ये लगी हुई हैं दाई गाइस, सारी हमारे यहाँ पे अजवाइन की पत्तियाँ, इसको अगर आप चाय में डाल के पीते हो ना, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये डालती हूँ, देखो मैं। और गाइस, कल का दिन तो इतना ब्लैक डे था ना, बता नहीं सकती आपको, इतना ज़्यादा दुख हो रहा था सच में। बच्चे ऐसे रो रहे थे ना, उनके बड़ा दुख होता है देख के सच में गाइस। बाप बाप ही होता है, माँ माँ ही होती है, तो सबके जो पेरेंट्स हैं हमेशा ठीक ही रहने चाहिए भगवान। लेकिन वही है ना कि जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। बेचारी वो लड़कियाँ ऐसे रो रही थी ना, सही में क्या बताऊँ मैं आपको, तो बहुत दुख होता है सब देख के। लेकिन ये है कि सब चीज़ फेस करनी पड़ती है, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो खुशी गम हमारे साथ लगा ही रहता है, तो सब चीज़ फेस करनी पड़ती है। बट मैं यही बोलूँगी कि अपना ध्यान रखिए गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम से गर्मी में आकर ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडा पी के एकदम से बाहर मत जाइए, सबसे ज़्यादा सर्द गर्म से भी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है गाइस। तो बस चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई other tuitions, I have taken other tuitions and now I am just the tea for me and guys, बस यही है, घर का काम अभी हुआ नहीं है, जस्ट सफाई करने जा रही हूँ। और भाई ने जिद मोबाइल के लिए कि मोबाइल दे दो, ये हैबिचुअल बन चुका है मोबाइल का, जो कि इसकी आदत हमें ख़त्म करनी है। गाइस, जिद्दी इतना हो गया है ना, हमेशा
हर चीज की जिद करता है, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, दिमाग खराब करके रख देता है। और गाइस जो मैंने बताया था कि कल भैया एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो उनका जो भी सब क्रिएशंस होता है वो कल है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस। तो बस चलेंगे गाइस, जाना तो है ही, घर के हैं फैमिली के हैं। और गाइस एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, कि जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है। दे हैज सम अदर फेसेस, अदर मास्क, मतलब हमारे सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं, थर्ड पर्सन के आगे कुछ और होते हैं। तो ऐसे लोगों से गाइज मैं तो यही बोलना चाहूंगी, सावधान रहिए। मुझे तो भैया बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों से कि हमारे सामने अच्छे, एक्चुअली वी आर सो इनोसेंट दैट वी इजिली बिलीव ऑन एनी पर्सन, बहुत इजिली हम लोग बिलीव कर लेते हैं किसी पर भी, मानेंगे आप? तो यही मैं बोलना चाहूंगी गाइज, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिए, बिकॉज दे आर डिप्लोमेटिक पीपल, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लोग हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पहले वो अच्छे बनते हैं और फिर बाद में वो किसी और को जाके बोलते हैं। तो इन सब चीजों से सावधान रहिए गाइस, इजिली हर किसी पे विश्वास मत कीजिए। मैं तो भाई इजिली मैं सोचती हूँ भाई सामने वाला बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बहुत अच्छा पर्सन है, ये है वो है, बट ये है कि हर किसी पे बिलीव हमें इजिली नहीं करना चाहिए, यही मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय सुदर्म, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन बुंदेलखंड एंड आज झांसी क्वीन रानी लक्ष्मीबाई। First of all, I will take your attention towards Bundelkhand. Bundelkhand is very famous state of India and also includes Madhya Pradesh. There are many historical places and visitation places, and the Bundela Rajput stabilized Bundelkhand in 16th century. Jhansi district of Bundelkhand and the Jhansi, where the Jhansi's Queen Rani Lakshmibai used to live, and she also did many great things. And so let's talk about Rani Lakshmibai. So guys, दाल चावल बन गए और खा भी लिए सबने, मम्मा खाएंगी। तो गाइज इसी के साथ आपको एंड करते हैं, आई होप आज को लगा पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आगे का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मस्त होगा। बाय बाय गाइज, जल्द से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।